हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमित सिंह। तो बेटा, आज हम केमिस्ट्री का 9th क्लास का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम 2nd चैप्टर को अभी बाद में पढ़ेंगे, है ना। उसका रीज़न है कि हम उसे बाद में पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं, वो बता दिया जाएगा। तो बेसिकली 1st चैप्टर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है 9th क्लास का केमिस्ट्री पोर्शन में, और आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, 3rd चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना चैप्टर 3, जिसका नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आज हमें स्टार्ट करना है। देखिए, आज हम इस फर्स्ट लेक्चर में, इस 3rd चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में यही डिस्कस करना है, है ना। तो आज हम इससे पहले कुछ ऐसे लॉज को डिस्कस करने वाले हैं जो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं। तो इस चैप्टर में और एनसीईआरटी में भी यही बताया गया है, स्टार्टिंग में पोर्शन में इस चैप्टर को मेन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कुछ लॉज डिस्कस किए गए हैं, तो वही आज हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उस लॉ को डिस्कस करने से पहले, या हम उन्हें लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों आई वो बताने से पहले, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सोचते हैं हम इसका आंसर, सोचते हैं कि हमारे नेचर में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हैं हमारे नेचर में, वो कैसे बनते हैं, कैसे बने हैं वो, हाउ इट इज फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इन आर नेचर कैसे बने, ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। तो जब ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं ये हमें रियलाइज भी होता है, अगर हम थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है, कि कहीं ना कहीं रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, तो अब इसी क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए यहाँ पे एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं, लेवोशियर एंड प्राउस्ट, इन दो साइंटिस्ट ने ये डिस्कस किया है। क्लियर है? तो टोटल यहाँ पे 5 लॉ को डिस्कस किया जाएगा, है ना, इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन हमें 9th स्टैंडर्ड पे सिर्फ 2 लॉ को डिस्कस करना है यहाँ पे अपने 9th स्टैंडर्ड पे। देखिए, पढ़ने को कितना भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमें पढ़ना वही चाहिए जो हमारे स्टैंडर्ड पे, उस लेवल पे सफिशियंट है। अब आप 9th में हो, ऐसा नहीं है कि 9th में 10th के बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, या 10th में 11th की बुक को पढ़ना है ना। अपने एक सिलेबस कन्फाइंड किया गया है हर क्लास के हिसाब से, तो वही पढ़ना है हमें। तो अब 9th स्टैंडर्ड पे 2 ही लॉ डिस्कस किए गए, 2 ही लॉ सफिशियंट है हमारे समझने के लिए अपने चैप्टर को। बाकी लॉ हम नेक्स्ट हायर क्लासेज में जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, तब हम उन्हें डिस्कस करेंगे वहां पे। क्लियर है यहां तक? अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन आपको क्या है, किसी चीज को मिला दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो उसे केमिकल, केमिकल आपको पता है कोई केमिकल रिएक्शन। तो हम यहां पे ये देखने वाले हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए क्या लॉ दिए गए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो कितने लॉज थे, टोटल मैंने आपको बताए हैं, उसमें से यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से लॉ हैं। दो हैं ना, उनके दोनों के नेम बता देता हूँ बेटा। एक तो है लॉ ऑफ, नंबर 1 अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें बेटा, तो नंबर 1 है यहाँ पे लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको समझते हैं, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, मास हमें पता ही है, कंजर्वेशन का समझते हैं। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज को कंजर्व करना। अब कंजर्व करने का मतलब क्या है बेसिकली, कि किसी चीज को बचा के रखना, ठीक है, कि हमने कंजर्व कर लिया। उसके बाद मैं इससे रिलेट करके बताऊंगा अभी आपको। अब देखिए, हम बोलते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्सरसाइज करनी है, या हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रख रहे हैं, हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में उस एनर्जी को नहीं यूज कर रहे हैं, हमें स्टडी करनी है 12 आवर्स की, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है, तो इसलिए आज मैं खेलूंगा नहीं, आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो एनर्जी बचा के रखनी है, वो अपनी एनर्जी मुझे पढ़ाई में लगानी है आज।
क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। तो आप क्या कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, कहीं ना कहीं बचा के रख रहे हो। तो यहाँ किस चीज का कंजर्वेशन होगा, एनर्जी का नहीं है, यहाँ है कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, मास का। अब इसका मीनिंग क्या है, मास का कंजर्वेशन कैसे होगा। यहां पे ये बोला गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट बोले, इस लॉ का अगर हम स्टेटमेंट बोले, हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, मास इन ए केमिकल रिएक्शन कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय। ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इस लॉ का स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी, बोल रहा हूं मैं साथ साथ, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अभी मैं दूसरे स्टेटमेंट भी लिखूंगा इसका, और क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। फिर एक एग्जांपल भी बताऊंगा, उससे ये लॉ आपको 100% समझ में आ जाएगा, सेट हो जाएगा माइंड में कि एक्चुअली ये लॉ है क्या। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होती ये चीजें कि हम मास को बढ़ा दें किसी रिएक्शन में या मास को कम कर दें। सिंपल सा कंसेप्ट ये है इसका। दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, समझ में आएगा आपको। देखिए, ये हम क्या बोल सकते हैं बेटा, और इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, वही सेम स्टेटमेंट है, इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता है, किसी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का टोटल मास होता है इज इक्वल टू, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल सा है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन, भाई जब भी कोई रिएक्शन होती है बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट और बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और बन जाता है प्रोडक्ट। तो बेसिकली रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इनके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी होता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो एरो के ऊपर लिख दी जाती हैं। तो बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट है वो रिएक्टेंट का है, बनता है प्रोडक्ट। तो यहां पे बोला गया है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो टोटल मास है वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहां पे ये लिख सकता हूं बेटा, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं मास m, किसका मास p, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, मास किसके, r रिएक्टेंट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है मास ऑफ रिएक्टेंट के, ये कंडीशन हमें बता दी है इस लॉ ने। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो रिएक्टेंट के इक्वल होता है। अब इस एक एग्जाम्पल से आपको 100% क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को अभी भी तक कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं बेटा आपको, देखिए एग्जाम्पल से अब आपको क्या क्लियर होगा, मेरी बात सुनिए आप। एग्जाम्पल में क्या है, हम दो रिएक्टेंट लेंगे और उनकी रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन से पहले उनका मास करेंगे हम, वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन पे उनका मास को हम मेजर करेंगे, और उसके बाद फिर जब रिएक्शन हो जाएगी प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर हम दोबारा से वेइंग मशीन पे उनका वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम देखेंगे कि जो मास पहले था वही मास अभी भी है या कुछ चेंजेस हुए हैं, मास में कमी हुई है या मास बढ़ा है। ये सब चीज को ऑब्जर्व करके हम अपने कॉन्क्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि क्या ये लॉ सही है या गलत है। अगर मास सेम आता है, रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास इक्वल आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे ये लॉ एप्लीकेबल है, सब जगह अप्लाई होगा, क्लियर है। तो यहां पे जो ये स्टेटमेंट लिखा है, तो बेसिकली इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर रहे हैं इस एक एग्जाम्पल से। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है, देखिए एग्जाम्पल में हम एक रिएक्शन करा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एपरेटस बना देता हूँ, ये एक कॉनिकल फ्लास्क बना दिया बेटा मैंने,
है ना, और ये यहाँ से मैंने इसे क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है बेटा, और यहाँ पे मैंने एक थ्रेड ले लिया, इस थ्रेड से इसे टाई अप कर दिया। यहाँ पे मैंने एक केमिकल कंपाउंड यहाँ पे ले लिया और एक केमिकल कंपाउंड बेटा यहाँ पे बाहर है, ये एपरेटस ले लिया। अभी समझाऊंगा इसे, टेंशन ना लीजिए। ये जो है बेटा यहाँ पे इस कोनिकल फ्लास्क में, इसे बोला जाएगा AgNO3 एक्वस, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे सिल्वर नाइट्रेट का। उसके बाद इसके अंदर जो यहाँ पे लिया गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिया गया है सॉल्यूशन, इसे बोला जाएगा NaCl, ये भी एक्वस है, इसे भी एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन हमें बताया। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान ये रखना है, ये जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो NaCl है और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो AgNO3 है, ये मिक्स नहीं होने चाहिए अभी, जब तक हम नहीं चाहेंगे। इसीलिए हमने थ्रेड से इसे पकड़ रखा है कि टिल्ट करा हुआ है, पूरा टिल्ट नहीं किया। अगर हम इस थ्रेड को थोड़ा और नीचे करेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये जो इस तरह से हो जाएगा, इसका लिक्विड इसमें मिक्स हो जाएगा, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम करेंगे क्या, ये हमने दो रिएक्टेंट ले लिए, एक तो NaCl और एक AgNO3, इन दोनों की रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे, लेकिन अभी हुई नहीं है। उससे पहले हम इस पूरे एपरेटस का वेट कर रहे हैं वेइंग मशीन पर, हमने इसका वेट किया, वेट में देखो ये कंपाउंड का वेट तो आएगा ही और इन एपरेटस का वेट भी आएगा, दोनों का आएगा। तो उसके बाद पहले हम वेट कर लेते हैं, और अभी हम क्या है, रिएक्शन की स्टार्टिंग कंडीशन है। यहाँ पे हमने इसका वेट मान लिया एक्स, ठीक है, ये मास हो गया बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट, अभी रिएक्टेंट है, रिएक्शन हुई नहीं है, तो रिएक्टेंट का मास एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या होगी बेटा, थोड़े टाइम बाद आपसे बोला जाएगा कि इस थ्रेड को थोड़ा लूज कर दीजिए, ताकि ये क्या हो जाए, जो टेस्ट ट्यूब है नीचे टिल्ट हो और इसके अंदर जो कंटेंट है वो इसमें मिक्स हो जाए। जैसे ही इसमें मिक्स होगा, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मिक्स होते ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और रिएक्शन स्टार्ट होते ही यहाँ पे बन जाएगा बेटा, इन दोनों की रिएक्शन होगी प्लस, इन दोनों की रिएक्शन होगी और यहाँ पे बन जाएगा बेटा AG, यहाँ पे बनेगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ये एक व्हाइट कलर का PPT होता है और एक NaNO3 बन जाएगा, ये रिएक्टेंट हो गया बेटा, ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट, और यहाँ पे ये जो दोनों बने हैं ये क्या हो गए, प्रोडक्ट। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं, रिएक्शन इसी के अंदर चल रही है, तो यहीं पे तो बने होंगे, तो इस दोबारा इस कंटेनर को यहां बनेगा, ये इसी तरह से आ जाएगा कंटेनर, इस कंटेनर का दोबारा से वेट करेंगे वेइंग मशीन पे। तो इसका जब हमने वेट किया, तो यहां पे बेटा मास आया है किसका, प्रोडक्ट का मास आया है, प्रोडक्ट का वाई। अब इसका मास है एक्स, इसका मास है वाई, ये पहले रिएक्शन से पहले का मास है, ये रिएक्शन के बाद का मास है, यहां कंपाउंड अलग है, यहां कंपाउंड अलग है। अब हमने क्या किया, जब ये वेट किया था जो मशीन पे, पहले एक्स था, अभी आया है वाई, इन दोनों का जब हमने इनकी वैल्यू देखी, वैल्यूज जो थी इनकी वो क्या आ गई है, सेम आ गई है। सपोज यहां पे एक्स की वैल्यू है 4 ग्राम, तो यहां पे वाई की वैल्यू भी क्या आई है बेटा, 4 ग्राम ही आई है। तो इससे हमें पता चला है कि रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, वो कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक फाइनल स्टेटमेंट इस एक्टिविटी को देखते हुए, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई चेंज नहीं होता मास में, ठीक है, जितना मास आपने स्टार्टिंग में लिया था वही मास आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके मिल जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं। अगर कंटेनर में ओवरऑल कंटेनर का वेट रिएक्टेंट के वेट को मिला के 40 ग्राम आया, तो रिएक्शन के बाद भी वो 40 ग्राम ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली एक एग्जाम्पल से और ये दो स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे दूसरा लॉ डिस्कस करते हैं अपना। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सेकंड है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो अब हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे उसके लिए। देखिए कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, देखिए कांस्टेंट का मीनिंग आपको मैं थोड़ा फिजिक्स से रिलेट करके बताता हूँ या मैथ से। मैथ्स में आपने पाई की वैल्यू देखी होगी, पाई की वैल्यू बोली जाती है कि कांस्टेंट रहेगी, किसी भी इक्वेशन में यूज़ कर लीजिए, कहीं पे भी यूज़ कर लीजिए, पाई फिजिक्स में भी यूज़ होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आप फिक्स करके मान लेते हैं 3.14, या जैसे मैं जी की बात करूँ फिजिक्स में, है ना, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, 9.8 चेंज भी होती है, लेकिन जनरली हम कुछ फिक्स पॉइंट पे उसे कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब हुआ फिक्स, कि ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है।
आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें इस वैल्यूज को यही मान के चलेंगे, फिक्स रखेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे कॉन्स्टेंट का मीनिंग सेम है। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है रेशियो से, ठीक है, वो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, कोई भी केमिकल कंपाउंड। देखिए केमिकल कंपाउंड बहुत सारे हैं केमिस्ट्री में, मैं यहाँ पे सभी को डिफाइन भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड पे, नाइन्थ स्टैंडर्ड पे जो हमें केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करना है वो हम अपने लेवल पे पढ़ेंगे जब हम आगे चैप्टर्स में प्रोसीड करेंगे, ठीक है, वो तब की बात है। लेकिन अभी क्या है, अभी तो आप ही मान के चलिए जो भी केमिकल कंपाउंड है, यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल्स आपको समझा दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, वो सेम एलिमेंट से ही बनता है, ठीक है। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट और कंबाइंड इन द सेम रेशियो, और सेम रेशियो में कंबाइन होता है, रेशियो भी सेम होता है। अभी इनके मीनिंग समझ में आ जाएंगे कि भाई सेम एलिमेंट का मीनिंग क्या है या सेम रेशियो बोल रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड, बाय विच इट इज, जिस मेथड से उसे प्रिपेयर किया गया है उसके भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उस मेथड पे भी डिपेंड नहीं करता कि उसे किस मेथड से हमने बनाया है, ठीक है। और सोर्स बाय विच इट इज ऑप्टेन, और किस सोर्स से उसे ऑप्टेन किया गया है, ठीक है, उस पे भी इंडिपेंडेंट होता है। तो बेसिकली ये हमारा एक स्टेटमेंट आ गया है इस लॉ का। क्या है स्टेटमेंट, दोबारा से समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो। एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बनेगा, पहली बात। और कंबाइंड होता है वो सेम रेशो में, रेशो भी कभी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड, और जिस मेथड से उसे बनाया गया उस पे डिपेंड नहीं करता कि उसे किस मेथड से बनाया जा रहा है, उसके जो एलिमेंट है और जो रेशो है वो सेम रहेगा, आप किसी भी मेथड से उसे बना लीजिए, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन रहेगी, ठीक है, आप उसे किसी भी मेथड से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या सोर्स कुछ भी हो सकती है, सोर्स का मीनिंग ये है बेटा यहाँ पे कि आपने उसे कौन सी रिएक्शन में बनाया है और जहां पे कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज किए हैं। क्योंकि भाई ये कुछ बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं केमिकली जो बहुत सारे रिएक्शन में बनते हैं, लेकिन हर रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कहीं पे रिएक्शन हो रही है AgCl की, आप NaCl के साथ कर रहे हैं, या सॉरी AgNO3 की NaCl के साथ कर रहे हैं, तो वहां पे जो ये रिएक्शन चल रही है अलग अलग रिएक्टेंट के बीच में होती है, लेकिन प्रोडक्ट में भी सेम इन सम ऑफ द रिएक्शंस। तो अगर वो प्रोडक्ट सेम होता है तो उस कंडीशन में क्या है, ऐसा नहीं होगा कि उसके एलिमेंट या उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं एग्जांपल्स, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिसका कोई भी कंफ्यूजन है वो यहां क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, एक केमिकल कंपाउंड लिया है मैंने जिसका नाम है वाटर, जिसका फॉर्मूला है H2O, हमें सबको पता है। तो वाटर जो है बेटा वो आप अपने घर से वाटर कंसिडर कर सकते हैं, जैसे फ्रिज में बॉटल में आप रखते हैं वाटर, वो ले लीजिए, या किसी पॉन्ड के वाटर को कंसीडर कर लीजिए, या किसी वेल के वाटर को कंसीडर कर दीजिए, या फिर आप हरिद्वार में भाई गंगा है उसके वाटर को कंसीडर कर दीजिए, किसी के भी वाटर को कंसीडर कीजिए, उसका फॉर्मूला यही होगा बेटा, H2O। फर्क नहीं पड़ता कि वाटर कहाँ का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसके जो एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। वाटर मेरे घर का हो या आपके घर का हो या किसी दूसरी स्टेट का हो या किसी दूसरी कंट्री का हो, उसके अंदर ये दो एलिमेंट है तो ये दो एलिमेंट ही रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि सेम एलिमेंट, कि अगर कोई एक कंपाउंड है तो उसके एलिमेंट सेम ही रहेंगे। दैट इज यहाँ पे वाटर को कंसिडर किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे, इसके अलावा ना तो कोई एडिशनल एलिमेंट इसमें ऐड होंगे और ना ही कोई
इसमें एलिमेंट कम होंगे, ठीक है, ये फिक्स है। अब मैं यहां पे कुछ बताता हूं इसका मीनिंग, सेम रेशियो का क्या मीनिंग है बेटा। देखो सेम रेशियो का मीनिंग ये है कि जो वाटर होता है इसमें बाय मास जो रेशियो होता है बाय मास वो ये होता है। देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहां पे टोटल हाइड्रोजन है 2, तो 2 × 1 = 2 और यहां पे ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये चीजें हमें याद भी करनी है आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे आगे, ये चीजें हमें याद भी करनी है, अभी आपको याद नहीं करना, अभी समझ लीजिए इसे। तो यहां पे जो मास का जो रेशियो है वो आया बेटा 2:16, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा 16 से, तो 1:8 आ जाएगा ये। तो बेसिकली वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है बाय मास वो 1:8 होता है, एक पार्ट होता है हाइड्रोजन का और एक 8 पार्ट होते हैं ऑक्सीजन के। मीनिंग क्या है, मीनिंग सिंपल सा ये है बेटा कि अगर आप H2O को डिकम्पोज करते हैं, इसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनने वाले हैं आपके पास वो किस रेशियो में बनेंगे, वो बनेंगे 1:8 के रेशियो में, 1:8 के रेशियो में। मतलब सिंपल सा ये है, कि अगर आप 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो आपको 1 ग्राम मिलेगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम मिलेंगे आपको ऑक्सीजन, तो 8 और 1 = 9 इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। मैं देखो सेकंड एग्जांपल से समझाता हूँ। CO2 ले लिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहीं की भी कार्बन डाइऑक्साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता हूँ जब रेस्पायर करता हूँ, या प्लांट्स जब रेस्पायर करते हैं CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में बेटा CO2 का जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम रहेंगे, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट, रेशियो भी सेम रहेगा। अब रेशियो कैसे सेम रहेगा, अगर मैं यहाँ बाय मास रेशियो देखता हूँ तो कार्बन का होता है बेटा 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है बेटा, तो 2 × 16 = 32, तो जब आप इसे डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3:8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि अगर आप कार्बन को बर्न करते हैं तो ये एटमोसफेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये बना देता है CO2। मतलब जब आप कार्बन को बर्न करते हैं कितने ग्राम कार्बन लोगे, जितने रेशो में यहाँ पे है, अगर आप 3 ग्राम कार्बन को बर्न करते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी कितना बेटा, 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी हमारे एनवायरमेंट से, हमारे एटमॉस्फेयर से, और यहाँ पे ये बन जाएगा 8+3 = 11 ग्राम। तो ये रेशो फिक्स रहता है, ये किसी भी कंडीशन में आप ये रिएक्शन करा लीजिए, ऑप्टेन कर लीजिए, किसी भी मेथड से ऑप्टेन कर लीजिए, किसी भी मेथड से इसे प्रिपेयर कर लीजिए, रेशो और एलिमेंट हमेशा सेम रहते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में। सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है, मैंने 2 एग्जांपल्स आपको समझा भी दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन हमारा ये कम्प्लीट हो चुका है, ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रो था, ठीक है। इस लॉ को आगे हम आगे ले जाएंगे अलग लेवल पर इस चैप्टर में, आगे चीज़ें हमें और डिटेल में पढ़नी है। अब हम अपने चैप्टर को सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, एटम्स से, एटम्स की डिटेल स्टडी करेंगे अब हम, ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।